नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कुलदीप के ब्लॉग्स में। गाइस, आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मुंबई अहमदाबाद फर्स्ट बुलेट ट्रेन का जो परियोजना का वर्क चल रहा है वो कितना पूरा हो गया है। तो गाइस, ये अभी हम जो इमेज देख रहे हैं अहमदाबाद का इमेज है। अहमदाबाद में फाइनली अभी 3 गर्डर लॉन्च किया गया है और ऐसे ही अहमदाबाद में अगर लगभग हम बात करें तो 99% काम अहमदाबाद के गुजरात के अंदर हो चुका है और सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है नवसारी और आणंद में, जो कि गर्डर भी वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लॉन्च हैं और अभी हम जो इमेज देख रहे हैं ये आणंद का ही है। और गाइस, इसमें अहमदाबाद का जो एरिया आता है वो है आणंद, नड़ियाद, सूरत, भरूच, नवसारी और अहमदाबाद साबरमती भी जैसे एरिए हैं। ये पूरे एरिए हैं गुजरात के जिसमें बुलेट ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा वर्क हो चुका है, जिसमें से साबरमती का बुलेट ट्रेन स्टेशन भी बन के रेडी हो चुका है और अभी आणंद का और नवसारी का बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है, सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन बनना चालू है, वापी में बुलेट ट्रेन स्टेशन के ऊपर वर्क चालू है। वापी का लगभग, सूरत की अगर बात करें, सूरत में लगभग बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वो आधा बन के रेडी हो चुका है, आधा ही बाकी है। बट हम साबरमती की बात करें तो यहाँ पूरा बन के रेडी जो है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क चालू है। और ये अहमदाबाद का आप देख रहे हो, 2 गर्डर अभी लॉन्च हुआ, तीसरा लॉन्च करने की प्रक्रिया जारी थी, जो कि तीसरा भी यहाँ पर अब लॉन्च हो चुका है इस समय जब हम बात कर रहे हैं। तीसरा गर्डर भी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। और अगर बात करें अभी इधर नवसारी के, नवसारी के अंदर अगर गर्डर लॉन्चिंग की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्डर लॉन्च हुआ और सबसे पहले वहाँ पे ही गर्डर लॉन्च हुआ था। ये बात भी है, सबसे पहला फर्स्ट गर्डर वहाँ पे ही लॉन्च हुआ था और इसका जो परियोजना का मुख्य कारण था वो मोदी सरकार यहाँ पर लेके आई थी, जो कि इस समय बहुत ही पॉपुलर सरकार है। और उसके बाद 2017 में इसका परियोजना का शिलान्यास किया गया था, 2017 में इसका वर्क चालू हुआ था, जो कि आज 2022 में लगभग आधा वर्क इसका हो चुका है, बाकी है खाली आधा। और महाराष्ट्र के अंदर हम बात करें लगभग 10% वर्क हुआ है, वहाँ पे जमीन जो है नीचे, जो जमीन जिस पे बुलेट ट्रेन का पिलर बनने वाला है, गटर जो है उसका भी खरीदारी हुआ, जैसे कि जो ज़मीनें थी दूसरे की उसको खरीद के उस पर बुलेट ट्रेन वर्क का जो प्रोजेक्ट का तैयारी चल रहा है, वहाँ पर जमीन खरीदा गया चुका है। अगर हम बात करें बड़ोदरा में तो बड़ोदरा का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में बन रहा है, बट वहाँ पे भी ज़्यादा वर्क हुआ नहीं है, वहाँ पे भी वर्क है बाकी जो कि पूरा किया जाएगा। सो गाइस, आज का अपडेट कुछ इस प्रकार का था जो अभी आप देख रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही खास इमेज ढूंढ के निकाल के लाए हुए हैं, कुछ इमेज इसमें से मैंने शूट भी किए हैं और कुछ इमेज मैंने इंटरनेट से डाउनलोड भी किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है और देखने में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक लग रहा है कि हमारे देश में भी इस प्रकार का वर्क हो रहा है, वो भी हाई सेमी स्पीड रेल, जो कि लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दौड़ने वाली है इस गर्डर के ऊपर। तो गाइस, आज का अपडेट इतना ही। अगर आप लोगों को अपडेट अच्छा लगा हो तो आप लोग अपडेट को लाइक कीजिएगा और चैनल पर गाइस अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अभी हम आगे अगर और बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रेन नीचे से जा रही है, तो ये आणंद में उस समय वर्क हो रहा था, आणंद में उस समय वर्क हो रहा था जबकि हम यहाँ पे गए भी थे, ग्राउंड पे गए थे, बट उस समय ग्राउंड के एक पिलर के उस पार गर्डर लॉन्च हुआ था, बट हम जाके आ चुके थे, उसके बाद वहाँ पर इस प्रकार का गर्डर लॉन्च हुआ। अभी गर्डर जो है वहाँ पर भी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में लॉन्च हो चुका है, बहुत ही फास्ट गति से वहाँ पर वर्क चालू है। तो गाइस, आज का अपडेट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।